नहीं लग रहा है आज. So I think we've just been having a lot of fun. Yeah, we get along. He's a sport. I think I'm a sport. Yeah, yeah, you are. Yeah. So we just बहुत अच्छी बनी हमारी. We're two sporty people. और हम दोनों बहुत आसानी से हंस देते हैं किसी भी बात पे. Correct. कितना भी गुस्सा हो रहे हो, कितना भी. Exactly. अंदर से अचानक से हंसी आ जाती है, अचानक से वो चेंज ओवर होता रहता है. ओके, तो अभी देख के हमें तो आपकी ऑफ सीन ऑफ स्क्रीन केमिस्ट्री भी एकदम लाजवाब लग रही है अभी देख के तो. एंड द विट इन ह्यूमर यू बोथ, जैसे आप बोल रहे हो कि आप एक दूसरे की टांग खींचते हो, वो तो हमें दिख रहा है. मैं बताना चाहूंगा कि इनका ह्यूमर बहुत है, इनका एक सेंस ऑफ ह्यूमर है जो आई डोंट नो इतने ज्यादा लोग टैप, मतलब इतने ज्यादा अभी लोग जानते हैं नहीं जानते. बिकॉज आई हैव नोटिस्ड इट कि विद विद्या जी वो हर चीज में ना कुछ इनका एक सेंस ऑफ ह्यूमर, एक विटी, एक जवाब कुछ ना कुछ आता है. Which I find it really, really, मतलब बहुत रेयर है काफ़ी आजकल. एंड आई एम सो सो ग्लैड दैट ये इनमें है, वो इनमें है वो बात. ऑसम. ओके, सो फाइनली माई लास्ट क्वेश्चन बिफोर वी टेक क्वेश्चन फ्रॉम द मीडिया. भूल भुलैया 2 में हमने वो zigzag वाला स्टेप देखा था, एंड अभी भूल भुलैया 3 में वी आर सीइंग द स्पूकी स्टेप, राइट, जो कि अगेन बहुत ट्रेंड कर रहा है, बस है उसकी. तो मुश्किल से या जैसे भी प्रैक्टिस कर करके मैं करने की कोशिश कर लेता हूँ. भूल भुलैया 2 में आई हैव बीन लकी कि उस टाइम उस गाने के लिए इतना ज़्यादा उसका उसके बारे में बात हुई थी या उसके स्टेप्स के बारे में बात हुई थी. सेम आई थिंक भूल भुलैया 3 ने एक ही दिन में वो चीज़ को वापस से वो ट्रेंडिंग या फिर उसको फॉलो करना या उसकी रील्स बनाना वो चालू हो गया, विच अगेन आई एम रियली हैप्पी अबाउट. बट आई एम रियली ग्लैड दैट आई गॉट अ टीम जिसके साथ ये काम कर पाया और जिन्होंने ये सब कुछ मेरे लिए किया या हम सब के लिए क्या, फॉर द टीम ऑफ भूल भुलैया 3 इटसेल्फ. एंड या आई होप कि कोई स्टेयरकेस से लोग ना गिरे, क्योंकि स्टेयरकेस वाले स्टेप काफ़ी लोग ट्राई कर रहे हैं. द स्पूकी स्लाइड वो काफ़ी डिफिकल्ट है थोड़ा सा करना, बट आई जस्ट होप कि वो करते करते कोई गिरे नहीं. थैंक यू सो मच. ओके, सो नाउ वी ऑन दैट नोट वी आर रेडी टू टेक क्वेश्चंस फ्रॉम द मीडिया. Hi. It's good to see my childhood crush on my. Thank you. Yeah, we know Bhool Bhulaiyaa is a big hit series and trailer also looks so promising. So what are the highlights of the Bhool Bhulaiyaa 3? I think Bhool Bhulaiyaa 3 has thrice the entertainment. You know, it really has everything. It of course has horror, comedy, it has thrill. It has great action, it has great music, it has great dances. Kya nahi hai isme? Everything into 3. Into 3. Actually, I have 2 finest actors of Indian cinema in front of me. Now, Indian cinema is under one roof only. So, each and every pan-India cinema has witnessed all the actors from Bollywood as well. So, when we expect you both people to the Telugu industry or Telugu films or the pan-Indian films in the near future are... I've done 2 Telugu films, NTR Mahanayakudu and NTR Kadhanayakudu, but I would love to do far more Telugu films. When I find the right subject, I will definitely do it. Not only Telugu film, it's a pan-India cinema. Yeah, anything. And I started in Bengali films, being a non-Bengali, and then I've done Telugu, I've done Tamil, I've done Marathi. So I'm more than happy to do films in all languages, Malayalam. Yeah, wish you all the best for maybe 3. Thank you so much. So, recently we saw in the Insta that Kon Banega Karadupothi also. It's Friday today. Yes. So, we are all excited to see what actually happened in the Kon Banega Karadupothi. Can you leak? Can you tell how much money you won? You'll know that tonight. But we had great fun. Hum aapko ye batana chahenge ki humne quit nahi kiya. बिल्कुल क्विट नहीं किया. आप शायद से गलत जवाब भी दे दिया हो, क्या पता. क्विट नहीं किया. ओनली व्हेन द हूटर वेंट ऑफ डिड आवर गेम गेट ओवर. तो वी वर वेरी वेरी हैप्पी. हाउ एक्साइटेड आर यू फॉर दिस मूवी? सो इट्स गेटिंग रिलीज्ड, राइट? सो हाउ एक्साइटेड? एक्चुअली वेरी एक्साइटेड आल्सो बिकॉज इट्स अ दिवाली रिलीज. दिवाली इज अ बिग डे अक्रॉस द कंट्री, एंड आई थिंक द एक्साइटमेंट फॉर दिस फिल्म फ्रॉम द टाइम ऑफ इट्स अनाउंसमेंट हैज बीन अ लॉट. यू नो, सब कह रहे हैं कि कब रिलीज़ हो रही है. अभी तो सबको पता है कब रिलीज़ हो रही है. एंड दे हैव लाइक्ड वट एवर वी पुट आउट, लाइक कार्तिक सेड, वेदर इट्स अ टीज़र और द ट्रेलर और द सॉन्ग. सो आई एम होपिंग दैट फैमिलीज
neighbors, everyone goes to the theater together. This film should be seen with large groups of people. Usme aur bhi maza aayega. Hi Vidya, this is Kausalya. Hi Kausalya. Hi Kabalan, so much. Thank you. So my question is, Bulbuliya 1, it's a remake of Manachitra Thal. Yes, yes. It was a 1995 movie. Yes. And Chandramukhi. So what do you think, in your perspective, what makes a movie timeless? See, stories are timeless, like Devdas or any movie, if we see, they are timeless. We can remake and everything. But when we see Manichitra Thal, the scene to scene is remade into a new movie, the Bulbuliya 1. Yeah. So what do you think, what makes a movie timeless? I think it's the telling of the story. Because like you said, stories are timeless, but when it comes to cinema, because it's a visual medium, the telling has to be timeless. So I feel directors like Priyadarshan in part one and Anees Bhai now in part three, he also did part two. These directors have been entertainers throughout, you know. So I think for them, it doesn't matter whether it's a film they did 30 years ago, 20 years ago or now. It's as much fun. I think it's the telling that makes all the difference. The way, the storytelling. The screenplay. Because the best story can be told in a very boring way and then it will not remain as interesting. And the writing. Yes, yes. And Vidya ji, I love your movies, each and everyone. Thank as a you. Female, I love them so much. So what makes you choose a Dhanyavadalu. Thank you. Welcome. So what makes you choose that kind of characters that empower every woman? I think it's just, these are the stories, you know, that writers are writing these days. And I'm very fortunate to be offered those stories. I'm just a greedy actor. Any story that calls out to me, any story that feels new, and a director that excites me are the criteria I use to do. I get bored very easily, so I have to keep doing something new every time. And I've just been lucky, I think. Very glad to talk to you finally. Thank you. Same here. Karthik ji. Because teaser, trailer and song was trending on YouTube. Actually my question is all about Bulbuliya. Basically, Chandramukhi, like part one, Rajnikant ji jab kiye the, to aisa suna hai ki humne jab Chandramukhi kiye the, kuch technicians, jo ki matlab shrapit ho ke, they are dead. And every year, Rajnikant ji jaake puja wagaira karwate hai bolke, kuch haunting jaisa hota hai bolke. Jab Chandramukhi hua to. तो अभी आप भूल भूलिया टू कर रहे, टू हो गया है, थ्री भी कर रहे, इज देयर एनीथिंग हैपेंस टू यू और बैड थिंग और कुछ हॉन्ट कर रहा है आपको ऐसा? कैन आई आंसर दिस क्वेश्चन फॉर हिम प्लीज? श्योर श्योर, व्हाटएवर यू हैव टू. आई थिंक विद भूल भूलिया टू थिंग्स हैव ओनली गॉटन बेटर एंड बेटर फॉर हिम. नाउ विद थ्री दे गोना गेट ट्रिपली बेटर. एम आई राइट? 100%. प्लीज आप कंटिन्यू करो. मेरा सेम जवाब होने वाला था कि इससे हॉन्टिंग नहीं, मेरा तो उल्टा हुआ है. मुझे ऐसा लगता है मेरे घर में हैप्पीनेस आई है, मेरे अंदर हैप्पीनेस आई है, टचवुड, विद भूलभुलैया 2 एंड भूलभुलैया 3 ऑल्सो, आई होप सो. एंड या तो ऐसा कुछ, मुझे कुछ जादू या कोई चीज़ या पूजा कुछ करने की ज़रूरत टचवुड नहीं पड़ रही. ओके, आई थिंक आप चंद्र मंजुलिका का फ्लेवर ही चेंज कर दिए शायद, बिकॉज अभी जब हम पहले भूलभुलैया देखे थे तब सिर्फ एक मंजुलिका थी, तो हम सिर्फ विद्या जी को ही देख रहे थे. अभी आप माधुरी दीक्षित जी को भी लेके आए, अभी क्या मतलब आप पूरा ट्रैक ही चेंज कर दिए, एक नया स्टोरी? अब ये तो अनीस भाई लेकर आए हैं जो डायरेक्टर हैं, और वो लेकर आए हैं उनको भी और हम सबको भी और मुझे भी. तो मुझे ऐसा लगता है कि वो ऑफ कोर्स आपको सेम ही स्टोरी अगर बार बार देंगे तो वो समझ नहीं आएगा, मज़ा नहीं आएगा. ये नया स्टोरी है, इसकी नई कहानी है, थोड़े से कैरेक्टर, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा. आप फिल्म देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि क्यों, कैसा, क्या किया गया इस कहानी के साथ. डन. एंड आई हैव वन क्वेश्चन फॉर विद्या जी, एंड नॉट अबाउट मंजू, क्या आप बायोपिक कर रहे हैं उनके या फिर आप वो पिक्चर एक रिक्रिएट कर रहे हैं, क्या है यार? यू नो, 7 साल पहले मैं उन पर एक बायोपिक करने वाली थी, पर कुछ लीगल इश्यू की वजह से वो बनी नहीं. तो मुझे बहुत दुख था, बिकॉज आई लव एम एस एम, आई वेक अप टू सुप्रभातम एंड विष्णु सहस्रनामम एवरी मॉर्निंग.
So Anu Parthasarthi, who's a costume designer in Tamil and even Telugu films, she did the first Bhool Bhulaiya with me. So she told me, she said, I said, I'm not able to, you know, I got the chance to do the film, but now it's not happening. She said, why don't we do a photo shoot? Ye 7 saal pehle ki baat hai. But finally, pandemic hua, wo sab hua. Now we did a photo shoot on MS Amma's 108th birthday. This was our little humble tribute to her. Last question. Thank you. We'll just take one question now. आपके लिए मैं, मेरा नाम नवीन, गुड इवनिंग टू बोथ ऑफ यू. गुड इवनिंग सर. मैं विद्या बालन से एक क्वेश्चन है. मैडम, आपका रोल मॉडल आके शबाना आज़मी और माधुरी दीक्षित है, जो आप रोल मतलब एक्टर बनने का, तो आज आप पहली बार उनके साथ मिलके काम करना और उनके साथ डांस करना, कैसा लगा आपको? पहले तो बहुत डर लगा, क्योंकि माधुरी दीक्षित खुद डांस है. कथक डांसर है. शी इज नॉट जस्ट अ डांसर, शी इज डांस, यू नो. सो मुझे लगा कि मैं कैसे करूँगी, बट फिर आई थॉट कि टू बी एबल टू डांस विथ हर इज द बिगेस्ट ऑनर फॉर मी. सो आई ट्राइड माई बेस्ट एंड शी वॉज वेरी काइंड एंड जेनरस, सो आई एंजॉयड माई सेल्फ. मैंने कोशिश की. अब देखिए, अयो यो मुझे नहीं पता. आप दोनों को देखिए. वो टू की कहानी थी. ये देखो. और ये हो गया थ्री. और ये थ्री. उस सवाल का जवाब आपको फिल्म देख के मिलेगा.